नहीं लेकर आनी चाहिए थी, पल्सर लेकर आना चाहिए थी। वैसे बाबा ने कहा था कि पल्सर लेकर जाओ, ड्यूक मत लेकर जाओ। बट गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे तो अभी सुबह के 11 बज रहे, लेकिन मैं यूजुअली वीडियोस डालता हूँ दोपहर के 12 बजे, इसलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सबसे पहले जो आप लोगों ने लास्ट 2-3 वीडियो पे रिस्पॉन्स दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो होने वाला है यमाई देवी के ऊपर में। लास्ट का वीडियो आपने देखा होगा, रिलेशन ऑफ माई विलेज विथ रामायण, जिसके अंदर मैंने प्रभु रामचंद्र जी की जर्नी, सीता माँ को ढूंढने की जर्नी कवर की है। उस जर्नी के अंदर कुछ प्लेसेस आते हैं जो मेरे गांव के इर्द गिर्द है, उन प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने खानापुर और रामकुंड कवर किया है, उसके बाद मैंने येरमाला की येडेश्वरी और तुलजापुर की तुलजा भवानी माता, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। बट इनके बीच में मैं एक प्लेस भूल गया, यमाई देवी। यमाई देवी के बारे में मुझे अपने पब्लिक थ्रू पता चला, जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि भाई तूने यमाई देवी ये प्लेस मिस कर दिए। रामकुंड के बाद प्रभु रामचंद्र जी गए थे यमाई देवी, यमाई देवी के बाद आता है येरमाला यानी कि येडेश्वरी। तो हाँ, मैंने वो प्लेस मिस कर दी थी, लेकिन अब मैं वो प्लेस कवर करने जा रहा हूँ। यमाई देवी की प्लेस मैंने ऑलरेडी कवर कर ली थी 2 दिन पहले। सिर्फ वीडियो की स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये मैं अभी घर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मेरे दोस्त ने एक कमेंट की थी कि भाई तेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आई कांटेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मुझे आदत है स्क्रीन पे देख के बात करने की, और कैमरा यूजुअली होता है यहाँ पे मोबाइल का। तो ये मुझे अभी आदत डालनी पड़ेगी कैमरे की ओर देख के बात करने की। कैमरे की ओर यूजुअली ध्यान जाता नहीं है, स्क्रीन बड़ी होने की वजह से जनरली आदमी डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ देखता है। तो धीरे धीरे ये भी आदत मैं डाल लूंगा कैमरे की तरफ देख के बात करने की। तो आप लोगों से बातें करते करते मैं आप लोगों का वेलकम करना भूल गया, तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो तो है यमाई देवी के बारे में, लेकिन थंबनेल और टाइटल वीडियो को मैच नहीं कर रहा है। तो ये थंबनेल और टाइटल डालने के पीछे का कारण आप लोगों को वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, और इसके बारे में भी वीडियो के एंड में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। दो रास्ते दिखा रहा है, एक तो ये लेफ्ट साइड में और यहाँ पे स्ट्रेट, और गूगल मैप बता रहा है स्ट्रेट जाना है। गूगल मैप को फॉलो करने से अच्छा किसी को तो पूछ लेता हूँ। तो मैंने अभी इसे ये लड़के से पूछा और मेरा शक सही निकला, गूगल मैप सीधा बता रहा था बट सीधा नहीं जाना था, राइट जाना था, यहाँ से सीधा जाना है। कितना यहाँ से हो गया, थोड़ा से बोल रहे हो तो का है काकन पूछेंगे। काका यमाई देवी मंदिर सर कितने अजुन? ऊपर एक रास्ता जाता है, हो गया मंदिर खत्म। और हम लगभग आधा या पौना घंटा बाइक चलाने के बाद यहाँ पे यमाई देवी की टेंपल पहुँच चुके हैं। कड़कनाथवाड़ी के आगे जो घाट लगता है, वो घाट तक रास्ता बहुत ख़राब था, 20 या 25 के ऊपर हम स्पीड नहीं पकड़ पा रहे थे बाइक पे, और उसके बाद रास्ता अच्छा था। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यमाई देवी का मंदिर बंद किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की वजह से बंद किया गया। तो ये है पूरा यमाई देवी का मंदिर, कोविड की वजह से यमाई देवी का मंदिर बंद किया गया है। बट ये और मंदिर के बाजू में ही तालाब है, लोकेशन देखने के लिए एक नंबर है, मतलब यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ। और यमाई देवी मंदिर की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, खानापुर और रामकुंड के बाद प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी ने माँ पार्वती की पूजा अर्चना की, और यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी ने माँ पार्वती को ये माई ऐसी उनको ऐसा उनको पुकारा था, तो इसीलिए इस जगह का नाम यमाई टेम्पल ऐसा गिरा हुआ है। आके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है, बट मंदिर अगर चालू होता तो और मज़ा आ जाती। वैसे तो यहाँ पे आने के लिए तेरखेड़ा से 2 रास्ते बता रहा था, एक ये वाला रास्ता जहाँ से हम आए कड़कनाथवाड़ी से, और एक उधर से हाईवे से कहीं से तो बता रहा था। तो ऐसे 2 रास्ते से अभी मैंने
यहाँ पे एक बंदा है, उनसे पूछा कि दूसरा रास्ता कहाँ से। उन्होंने बताया कि यहाँ से एक दूसरा रास्ता भी है, बट वो रास्ता इस रास्ते से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बेटर यही ऑप्शन है कि जिस रूट से आप आए हो उसी रूट से वापस चले जाओ। और वो वहाँ पे श्यामनाथ महाराज का मठ भी है, तो यहाँ तक आ ही गए तो श्यामनाथ महाराज का मठ भी देख लेते। पहले वहाँ तक चलते जाने का सोचा था, बट फिर सोचा कि बाइक से चलते हैं, टाइम भी कम है, जल्दी घर पहुँचना है। श्यामनाथ महाराज का मठ, और यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा सीन है पूरा, यहाँ पे कोई तो रहता है शायद से। और इधर शिव जी की पिंड स्थापित की हुई है, और यहाँ से नीचे मेन एंट्रेंस यहाँ से है, ये तो उधर से रास्ता है साइड से। अच्छा यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से हम ऊपर बाइक लेकर आए, बाइक हमने वहाँ पे पार्क की, लेकिन मेन एंट्रेंस यहाँ पे ऊपर आने के लिए। और ये श्री शनेश्वर मंदिर है, पे जब यहाँ पे हम आ रहे थे आते समय रास्ता खराब था, तब हमें लगा कि ड्यूक नहीं लेकर आनी चाहिए थी, पल्सर लेकर आना चाहिए थी। वैसे बाबा ने कहा था कि पल्सर लेकर जाओ, ड्यूक मत लेकर जाओ, बट ड्यूक भी 5-6 दिनों से एक ही जगह पे खड़ी हुई थी, तो ड्यूक को चलाना भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम ड्यूक लेकर आए। बट ऐसे रास्तों पे स्पोर्ट्स बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हीट करती है गाड़ी ज़्यादा। और एक बात, जहाँ पे हमने यमाई देवी के मंदिर पे जिस बंदे से हमने पूछा कि ये क्या है ऊपर, जिसने बताया हमें कि ऊपर मठ है बोलकर, उस बंदे ने बताया कि आज इस गांव में यात्रा है, यमाई देवी की यात्रा है आज, और लास्ट ईयर भी यात्रा कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से, और इस ईयर भी यात्रा कोविड की वजह से कैंसिल हो गई। उसने बताया कि अगर कोविड नहीं होता, यात्रा होती यहाँ पे, तो ये ऊपर तक, यहाँ से लेके तो मंदिर तक पूरे लोगों से भरा हुआ रहता है, ये पूरे यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगाते। और हम जब पहुँचे तो वो बंदा अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो उन दोनों की बात चल रही थी कोविड के ऊपर। शायद वो बंदा बिजनेस करता है कुछ, तो उसका बिजनेस भी बंद हो गया, और अगला जो बंदा था फ़ोन पे बात करने वाला, उसका भी कुछ तो बिगड़ गया। कोविड की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है, तो यही निगेटिविटी से दूर आने के लिए मैं पूरा घर से बाहर निकलता हूँ ट्रैवल करने के लिए, बाइक चलाकर या ऐसे कुछ प्लेसेस ढूंढ कर विजिट करके थोड़ा सा मेंटल पीस मिलता है। एक्सरसाइज वगैरह करके हम फिजिकल फिटनेस तो कर सकते हैं, लेकिन मेंटल पीस के लिए ये सब ज़रूरी है, घूमना, बाइक चलाना। मेरे लिए, आप लोगों का कुछ अलग हो सकता है मेंटल पीस हासिल करने का ज़रिया, लेकिन मेरे लिए बाइक चलाना, कार्स में इंटरेस्ट, कार चलाना, अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर करना, ये मेरा इंटरेस्ट है। ये सब करने से मुझे मेंटल पीस मिलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, और ये करते करते मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो देखने के बाद पसंद आया होगा, और आपको थंबनेल और टाइटल के पीछे का रीज़न भी पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ये थंबनेल और टाइटल रखा। स्पोर्ट्स बाइक बनाई जाती है हाईवेज के लिए, ट्रैक के लिए, यानी कि हम स्पोर्ट्स बाइक को भगा पाए, ज़्यादा स्पीड में उसको चला पाए, इसके लिए स्पोर्ट्स बाइक बनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूक खराब है, हम वैसे रास्ते पर लेके नहीं जा सकते, वैसे रास्ते पर हम लेके जा सकते हैं, लेकिन रास्ता अगर खराब होगा तो ज़्यादा स्पीड में हम गाड़ी चला नहीं पाते, और गाड़ी ज़्यादा स्पीड स्पोर्ट्स बाइक को अगर अप्रोप्रिएट स्पीड से ना चलाया जाए हीट करता है, और वो हीट पूरे आपके पैरों को लगती है, तो मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने में। हर एक बाइक उसके पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, ऐसा इसका मतलब यह नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक खराब है, वो बाइक अच्छी है, फलाना ढिमका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, अपने थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कुछ इम्प्रूवमेंट करने होंगी तो वो भी सजेस्ट कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।